कैसी है मेरी जिंदगी। सुबह उठता हूँ, थोड़ा पढ़ने का नाटक करता हूँ, फिर मोबाइल चलाने लगता हूँ, फिर मम्मी चिल्लाती तो फिर से पढ़ने का नाटक, खाना पीना मोबाइल चलाना और सोना, बस यही जिंदगी है मेरी। मम्मी पापा को तो चिल्लाने के अलावा कोई काम ही नहीं है, और अब उनके चिल्लाने का तो मुझ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक दिन जब मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हुआ और इंटरनेट चलना बंद हो गया, मैंने खिड़की से झांक कर देखा एक मजदूर को गड्ढा खोदते हुए। अरे मुझसे अच्छा तो वो मजदूर है, उसे पता तो है कि उसे आज दिन भर में क्या क्या करना है, खुद का और अपने परिवार का पेट तो पाल रहा है वो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं। मैं दिन भर मोबाइल में टाइम पास, आखिर क्यों नहीं मैं सोचता हूं कि मेरे दोस्त जिन्होंने मोबाइल से अपनी दोस्ती तोड़ ली है और किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया है, आखिर क्यों नहीं सोचता हूं मैं कि मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं, आखिर क्यों नहीं सोचता हूं मैं कि जब वो एक बड़े से ऑफिस में मालिक बने बैठे होंगे तब मैं सड़क पर धक्के खा रहा होऊंगा, आखिर क्यों नहीं सोचता हूं मैं कि जब वो एक बड़ी कार से गुजरेगा तब मैं बस की भीड़ में फंसा होऊंगा, आखिर क्यों नहीं सोचता हूं मैं कि जब वो एक बड़ी सी होटल में डिनर कर रहा होगा तब मैं एक छोटे से ठेले पर अपना पेट भर रहा होऊंगा, क्या करूंगा मैं तब। रोऊंगा, बहाने बनाऊंगा और चीख चीख कर कहूंगा, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे नसीब में सिर्फ ठोकरें ही लिखी हैं। लेकिन मैं किसे बेवकूफ बना रहा हूं, किससे झूठ बोल रहा हूं मैं, अपने आप से। अगर उस दिन मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं भी उस जैसा एक बड़ी जिंदगी जी रहा होता, अपने माँ बाप की आंखों का तारा होता। तो आखिर क्या करना होगा मुझे। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन मैं क्या करूं। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं जब भी पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है, मेरा मोबाइल चलाने का मन करता है, दोस्तों के साथ गपशप करने का मन करता है, लेकिन नहीं, मुझे अब अपना मन पढ़ाई में लगाना ही होगा। आखिर मुझ में और उस फर्स्ट आने वाले, उस टॉप करने वाले लड़के में क्या अंतर है। भगवान ने हम दोनों को एक जैसा बनाया है, सब कुछ एक जैसा सिवाय एक अंतर के, और वो अंतर है कि मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ाई करता हूं और वो कुछ बड़ा बनने के लिए। मैं पढ़ता हूं पास होने के लिए और वो पढ़ता है टॉप करने के लिए। मैं पढ़ाई करने को मंजिल समझता हूं और वो पढ़ाई को एक रास्ता। उसके कुछ सपने हैं, लक्ष्य हैं, उसे जिंदगी में कुछ पाना है, उसे कुछ बड़ा बनना है, उसे पता है कि सिर्फ पढ़ाई ही उसे उसकी मंजिल तक ले जा सकती है, जबकि मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं है, इसलिए उसका मन पढ़ाई में लगता है और मेरा नहीं। तो आज से मैं भी अपनी पढ़ाई को अपनी मंजिल नहीं, अपना रास्ता बनाऊंगा। मैं गुलाम नहीं हूं, आज से मैं अपने मोबाइल का गुलाम नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मोबाइल तो टॉपर भी चलाते हैं, मोबाइल तो इस दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी चलाता है, लेकिन एक बात है जो उसे पता है और मुझे नहीं पता, वो ये है कि मोबाइल चलाना कब है और कब नहीं चलाना। आज मेरी आंखें खुल गई हैं और वक्त रहते मैं संभल गया हूं, आज मेरे सीने में आग लग गई है और आज के बाद मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, सिर्फ पढ़ाई। अगर आपको भी मेरी बात समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को जलाई है या नहीं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।